एक बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर जंगल में घूम रहे थे और तीनों घूमते घूमते काफी थक गए। सीते, लक्ष्मण, लगता है तुम लोग थक गए हो, हमें विश्राम करना चाहिए। भैया, वो देखिए, कुछ दूरी पर झोपड़ी दिखाई दे रही है, हमें वहां चलकर विश्राम करना चाहिए। वहां एक बुढ़िया सूत काट रही थी। जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ कुटिया के सामने पहुंचे, तब भगवान राम ने कहा, हम वनवासी हैं माई, इस जंगल में भ्रमण करते करते थक गए हैं, कुछ क्षण विश्राम करना चाहते हैं। आओ पुत्र, आसन ग्रहण करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। माई, अगर मेरा हंस पहले मोती चुगे, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। बुढ़िया बहुत गरीब थी और सूत काटकर गुजर बसर करती थी, उसके पास तो मोती नहीं थे। बुढ़िया ने सोचा, अतिथियों को मना करना पाप होगा, मुझे अपने अतिथि धर्म निभाना ही चाहिए। ऐसा सोचकर बुढ़िया वहाँ के राजा के पास गई। कृपा करके मुझे दो मोती उधार देने का कष्ट करे महाराज। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने सोचा, बुढ़िया के पास खाने को मुट्ठी भर दाना नहीं, लेकिन वो दो मोती उधार मांग रही है। निश्चय ही ये बुढ़िया किसी भी सूरत में अपना उधार नहीं चुका पाएगी। फिर भी राजा ने अपने मंत्री को दो मोती देने को कह दिया। बुढ़िया मोती लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसने मोती हंस को छुगाया। पुत्र, भोजन ग्रहण करो, अब तो हंस ने भी मोती चुग लिया है। राम, लक्ष्मण और सीता जी ने उसके घर पर भोजन किया। जाते जाते राम जी ने उसकी झोपड़ी के बाहर पानी रखने की जगह के पास एक मोतियों का पेड़ लगा दिया। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और उसमें मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस बात का कुछ पता नहीं था। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठा कर ले जाते। फिर एक दिन बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठी सूत कात रही थी, तभी पेड़ से मोती गिरने लगे। अरे, ये तो मोती का पेड़ है, अब मैं राजा का उधार चुका सकती हूँ। उसने मोतियों को कपड़े में बांधा और राजा के पास महल पहुँच गई। राजा ने सोचा, लगता है ये बुढ़िया फिर से कुछ मांगने आई है। लीजिए महाराज, ये लीजिए। इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने सारी बात बताई और कहा, मेरे मोती तो आसपास के लोग चुपचाप उठाकर ले जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, मुझे मोती का क्या करना है। राजा ने पेड़ मंगवा लिया और अपने दरवाजे के पास लगवा लिया, पर राम जी की कृपा से वह पेड़ कांटे के बन गया और उसमें मोती लगने बंद हो गए। एक दिन उस पेड़ का कांटा रानी के पैर में चुभ गया और रानी को दर्द होने लगा। तभी राजगुरु ने सलाह दी, महाराज, आप इस पेड़ को जहां से लाए थे उसी जगह पर वापस लगवा दीजिए। राजा ने उस पेड़ को वापस बुढ़िया के घर लगवा दिया। उस पेड़ पर फिर से मोती आने लगे। अब वह बुढ़िया राम जी की कृपा से खूब आनंद से रहती और खूब मोती लुटाती। बोलो राम भगवान की जय। बरसों पहले की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, पर उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कुछ नहीं है, खेत में जाओ और अपने पिताजी की मदद कर, इससे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। माँ की बात पर भोला को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। कुछ देर बाद भोला घर आता है और कोने में बैठ जाता है। शाम होते ही किसान घर आता है। भोला, तुमने खाना खाया?
नहीं पिताजी, आज माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? बच्चा सुबह से भूखा है, चलो इसे खाना परसो। कोई जरूरत नहीं है, बाकी काम ही क्या है इसको, सिर्फ खाने का और सोने का। कुछ काम करने के लिए भी बोलो इसको, और भला कितने दिन यूं ही बैठ के खाएगा। ये बात सुन के किसान बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे को समझाता है। फिर भी भोला अपने पिताजी की बात नहीं मानता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन किसान रोज की तरह खेत के लिए निकलता है। अरे सुनो, जाते वक्त भोला को भी साथ ले जाना। ठीक है, भोला इधर आओ। क्या हुआ पिताजी? चलो आज तुम मेरे साथ खेत पर चलो, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाता हूँ। क्या खेती? नहीं पिताजी, मुझे सोना है, फिर कभी आऊंगा। बेचारा किसान अकेले ही खेत पर जाता है। तभी किसान देखता है कि उसकी बीवी उसके बेटे को साथ लेकर खेत पर पहुंची। अरे तुम इसे क्यों लेती आई? अगर ये ऐसे ही दिन भर घर पर खाता और सोता रहा तो ये जीवन भर कामचोर ही रह जाएगा, इसीलिए मैं इसे जबरदस्ती खेत पर ले आई। भोला अब तुम यहाँ अपने पिताजी की मदद करो और खेती करना सीखो। आज तो भोला बहुत बुरा फंसा, आज तो उसे काम करना ही पड़ा। शाम को किसान और भोला थके हारे खेत से घर आते हैं और दोनों खाना खा के सो जाते हैं। सोने के दौरान भोला सोचता है, कल सुबह ही घर से निकल जाऊंगा, तब देखता हूँ माँ मुझसे कैसे काम करवाती है। भोला मेहनत का काम करके परेशान हो गया था और गुस्से में आकर वह अपना घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल के बीचों बीच भोला को एक आश्रम दिखा। आश्रम में गुरुजी है जिनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं। वह रोज मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो भोला मन ही मन सोचने लगा, हाँ यह जगह बिल्कुल सही है, यहाँ कोई काम धाम तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है, पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोच के भोला गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, काम करने की सोचते ही मुझे आलस आने लगता है। कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना होगा, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ हाँ गुरुजी, मैं पूजा पाठ बड़े आराम से कर लूंगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता, पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। माँ और पिताजी ने मेरा जीना ही दुश्वार कर रखा था, कहते थे बिना मेहनत किए दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि कैसे मैं यहाँ बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। समय पर भोला को भोजन मिल जाया करता था, वह आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ और भजन कीर्तन करके भोला रसोई घर में गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वह दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं भोला, आज एकादशी का व्रत है, आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसीलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे यह व्रत नहीं होगा, मैं भूखे नहीं रह सकता गुरुजी, यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो,
आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। यह सुनकर भोला सोचने लगा, कोई बात नहीं, आज एक दिन मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूंगा। अच्छा तो तुम एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वह सब ले लो और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। जैसा आप कहें गुरुजी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उस पार भोजन बनाने चला गया। जैसे ही भोजन तैयार करता है और जैसे ही वह खाना खाने बैठता है, अरे याद आया, गुरुजी ने कहा था पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद तुम अपना भोजन करना। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम आइये, श्री राम आइये, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला परेशान हो गया कि वह बार बार राम जी को बुला रहा है लेकिन भगवान राम भोग लगाने आ ही नहीं रहे हैं। भोला ने सोचा कि गुरु जी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वह इतना भोला था कि यह भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते, लेकिन वह अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया प्रभु राम जी कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको तो मालपुए खाने की आदत है, मेरा यह रूखा सूखा भोजन करने भला आप क्यों आएंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ, आज वहाँ पर भी कुछ नहीं बना है, वहाँ तो सबका एकादशी का व्रत है, अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ आकर ही भोजन कर लीजिए, वरना तो आपको भी भूखा रहना पड़ेगा। भगवान भी भावनाओं के भूखे हैं, वे भोला की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं सीता माता के साथ भोला के सामने प्रकट हो गए। अरे गुरु जी ने तो कहा था भगवान राम को भोग लगाना, पर मैंने तो केवल दो ही लोगों का खाना बनाया है, यह भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए, अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ, मैं भूखा ही रह लूंगा। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को माता सीता के साथ बैठाकर भोजन करवा दिया। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया था देवी। प्रभु, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, मैं भोजन पर तो सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी साथ ले आए, मैंने दो ही लोगों का भोजन बनाया था, अब वह मैंने आप दोनों को करा दिया, आज मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा और मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे, और हाँ थोड़ा समय पर आ जाना प्रभु, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगती है। भोला की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसीलिए उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरुजी आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए, भोग लगाने दो लोग आते हैं, पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है, जा जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम और माता सीता अपने साथ लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लेकर आए। उनको देखते ही भोला का सर चकरा गया, वह सोचने लगा, अरे यह क्या, एक को बुलाता हूँ तो दो आ जाते हैं, दो को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान ही आ जाता है, आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए, यह आपके भगवान राम अकेले तो आते ही नहीं है, और पहले से भी नहीं बताते हैं
कि कितने जने साथ में लाएंगे। यह भोला हर बार मुझसे ज्यादा अनाज लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेच तो नहीं देता, देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार घर से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी पार भोजन बनाने पहुंचता है। इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है, यह राम जी अकेले तो आते ही नहीं हैं। इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आए, आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद ही भोजन पकाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा ना रहना पड़े। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। अरे भोला, यह क्या, तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है। प्रभु, मैंने भोजन इसलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ ले आते हैं, दो लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान ले आते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आए, इसके बाद ही भोजन बना लूँगा। प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे लिए भोजन बनाने में मदद ही कर दीजिए। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां ले आओ, देवी सीता आप सब्जियां काट लें और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर वे सभी रसोई बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, क्या बात है भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, अनाज भी जैसा का तैसा रखा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज चाहिए, देखिए अब यह प्रभु राम जी भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। भोला, यहाँ पर तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? भोला, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, सदैव पूजा अर्चना करते रहते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि वो बड़े हैं, लेकिन वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। सही कह रही हो भोला तुम, मैंने सारी विद्याएं पाली लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता नहीं पाई है। प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह से एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। जय श्री राम।